ఒలింపిక్ పతక విజేతలు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్న అథ్లెట్స్ ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ లో వారికి ఘన స్వాగతం లభించింది. గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నీరజ్ చోప్రాకు బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య స్వాగతం పలికారు. సిల్వర్ మెడలిస్ట్ రెజ్లర్ రవికుమార్ దహియా, బ్రాంజ్ మెడలిస్ట్ భజరంగ్ పూనియా, లవ్లీనా పురుషుల హాకీ జట్టు, మహిళా హాకీ టీం కు ఎయిర్‌పోర్ట్ లో గ్రాండ్ వెల్కమ్ లభించింది. క్రీడాకారులంతా అశోక హోటల్ కు చేరుకున్నారు. అక్కడ వారికి కేంద్ర క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో సన్మానం జరుగుతోంది. और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी. मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है. मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा. इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आज जागी है. असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी है, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं. क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे. आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है, और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है. इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं. आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था, नहीं कर पाए. मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी, आपकी और आपकी टीम ने एक नई आज खड़ी की है. हमारे ओलंपियंस ने यहां पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं. मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, और जितनी फेडरेशन यहां पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूं, बत्रा जी को देख पा रहा हूं, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे. इतना ही कहूंगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा. बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती. आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू फॉर दोज इनकरेजिंग वर्ड ऑनरेबल मिनिस्टर. It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiran Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin hamari jo felicitation ceremony hai, uski hum shuruaat karenge. As Shri Anurag Thakur ji also said ki hum athletes ko bhi sunna chahte hain. Shuruaat mein Bajrang ke saath karunga. Bajrang Punia, jinki introduction ko koi zarurat nahi hai, lekin main chahunga aap taaliyon se unka swagat kare. 65 kilogram category mein unhone bronze medal jeeta. Bajrang, if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से एक महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन, आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख कैसा लग रहा है, जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब मैंने जब भी बात करी इंजरी के लिए, तो साई के जो हमारे डी जी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में,
कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू, कैन आई रिक्वेस्ट लवलीना बोरगोहेन, यू अगेन आर वेरी फेमिलियर विद हर, विनर ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल इन द 69 किलोग्राम वुमेन्स बॉक्सिंग, ओनली द सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर टू गेट दैट मेडल। कुड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द कोच ऑफ द बॉक्सिंग टीम सैंटियागो नियेवे, if he's here, if he could also come up for the felicitation, please.